हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बोड़ो या लोबिया, आप लोग जो भी कहते हो, इसका एक यूनिक तरीके से सब्जी बनाएंगे सिर्फ एक मसाले से। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है, बीन्स की तरह होती है, बीज से भरी लंबी हरे रंग की होती है। इस सब्जी को लोग थोड़ा कहीं कहीं बोड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं लोबिया बोलते हैं, कहीं कहीं चावली, कई नामों से जानते हैं। आज हम आपके लिए बोड़ो की बहुत ही अच्छी सब्जी, सूखी सब्जी लेकर आए हैं रेसिपी। यह सब्जी बनाने के लिए आपको मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप बिना मसाले के बहुत ही कम तेल में घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये 15-20 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए बोड़ा की सब्जी आज हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड देखिए, हमने ये बोड़ों को काट लिया है छोटे छोटे पीसोज में। ये तकरीबन जो है 250 ग्राम बोड़ो है और इसको हम देखिए काट करके धो करके अच्छी तरीके से हमने इसको रख लिया है। अब इसे तैयार करने के बाद सिर्फ यकीन मानिए, केवल एक मसाले से आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी इसकी। और चलिए बनाते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया। अब इसमें हम सरसों के ऑयल डाल रहे हैं। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें बनाइए, लेकिन सरसों के तेल की सब्जी ही बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तेल गर्म होने के बाद हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, लंबे लंबे लच्छे में हमने काटा है। अब इसको हम डाल देंगे। और देखिए, हरी मिर्च हमने दो कट कर ली है और इसे अच्छी तरीके से हम गुलाबी कलर का हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, तकरीबन इसमें एक मिनट लगेगा गुलाबी होने तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हमारा ये जो है प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन कलर का होने लगा है। अब इसमें देखिए हम मसालों को ऐड करेंगे। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, अब उसको हम डाल देंगे। और देखिए, हल्दी हमने डाला। हमने केवल कहा था आपसे कि एक सीक्रेट मसाला केवल आपको डालना है, वही बस सिर्फ आपको ये काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च बस आपको एक सिर्फ एक काली मिर्च से आपका ये सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरीके से इसे भून लीजिएगा। भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, कच्चापन इसमें ना रह जाए, तो इसलिए हम भून लेते हैं। भूनने के बाद इसमें देखिए हम ये बोड़ो डाल देते हैं। बोड़ो डालने के बाद अब इसमें हम जो है इसको अच्छी तरीके से हम चलाएंगे और मसाले इसमें हमारे देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसे हम क्या करेंगे, ढक करके धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए हमारा ये, अब इसमें हमने जो है स्वादानुसार नमक को डाल लेना है। नमक डालने के बाद इसे हम मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम जो है इसे जब हम मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद अब कुछ नहीं करना है, धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पकाना है इसे अच्छी तरीके से कि इसमें कच्चापन न रह जाए। तो देखिए, हमने ढक करके इसे 3 से 4 मिनट पका दिए हैं। तो देखिए, हमारा ये 3 से 4 मिनट पकते हुए हो चुका है। अब हमारी ये सब्जी देखिए तकरीबन बन करके ये तैयार हो चुकी है। तो देखिए, इसमें हमारा ये तेल छोड़ दिया है सब्जी, तो समझ लीजिए कि हमारी सब्जी ये बन करके अच्छी तरीके से तैयार है। अब इसमें जो है हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर थोड़ी धनिया की पत्ती डाल लेंगे और इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करके इसे सर्व करने के लिए एकदम से तैयार है। तो देखिए, हमारी सब्जी बन के तैयार है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी टेस्टी, आप बिना मसालों के इतनी टेस्टी सब्जी कैसे बन सकती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइए। और इसे पूड़ी, पराठा, रोटी और आप चाहें तो चावल, डिनर, लंच वगैरह में भी इसे यूज खा सकते हैं। तो चलिए बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।